तो व्यूअर्स आज एक सरप्राइज है जो इस लड़के को मैंने आगे जाके अभी देना है, पहले नहीं बताना ना, हाँ पहले नहीं बताना, बाद में बताएंगे, तो आप भी देखें कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। चलो जी अब तो मैं भी खुश हूँ, देखते हैं क्या होता है। ऐडा खुश होने वाला है गा नहीं। अच्छा फिर कोई फायदा नहीं क्योंकि पहले सारा कुछ बता दिया ना, तो फिर भांडा फूट जाता है। ओए भांडा ना फोड़ी दे, मैं तेरे कान भन देनी, ये इधर बैठा ना बताने वाला, तेनू भी पता है, बताना नहीं। अगर आपने बता दिया पप्पू तो फिर मैंने किसी को भी नहीं बताना, सारे ऐसे ही रहना, ठीक है ना। तो आज का होगा जी शॉपिंग व्लॉग, आप सब इसमें देख सकते हैं कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं, किस चीज की शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो सब देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। ये देख लो हम रेडी हैं गाड़ी में, एक हमारे साथ बाजिश में भी वो बस नीचे उतरी है, घर से रेंट लेना है, जो घर रेंट पे इधर दिया हुआ, तो फिर हम लोग जा रहे हैं आज खुले पैसे उड़ाएंगे। रोशनी आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवत? ठीक है, बैठो। हम लोग भी ठीक है, इसको परसों का छोड़ा हुआ है और आज ये मैं छोड़ के गई है, तो आज आई है, मैंने कहा चलो आओ नाश्ता थोड़ा सा कर लूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? आज के ब्लॉग का आगाज हो चुका है, अहमद भी मेरे पास सोया सोया उठ के आ गया है। कैसे हो आप? ठीक हो? ये सुन के आया कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो बाकी मैं भी ब्लॉग में आ जाऊँ। आपको बहुत शौक है ब्लॉग में आने का? हाँ जी, सलाम क्यों नहीं करते आते ही? किसको कह रहे हो? मुझे कह रहे हो? बोलो व्यूवर्स को कह रहा हूँ, व्यूवर्स को कह, व्यूवर्स को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। गुस्से से बोलो, जल्दी करेंगे, गुस्से में आओ जरा। हाँ ये लो जी सक्राब आ गया, सब पूछ रहे थे कि वो सक्राब नहीं बताया कौन सा था, तो ये देख लेंगे वाला है, इंज करांगे तो सीधा आएगा। वीडियो में समझ नहीं आती, ऐ तो फिर पुखा ही आ रहा है, स्क्रीन शॉट खिंच लेना तो जिधर नु मर्जी है फेर फूर के ना वेख लेना। ठीक है ये देखो, दूसरी साइड भी दिखा देती हूँ, ये किसका है? ये तुम्हारी मम्मा का है, अर्जेंट फिशल, अर्जेंट फिशल लिखा हुआ इसके ऊपर है ना। हाँ जी, फ्रूटी वाइटनिंग गोल्डन पर्ल, चलो ये सारा कुछ मैं भी दस देता है, तुसी देख लो। हेलो पढ़ो, व्यूअर्स पूछ रहे थे कभी हमें बताया नहीं स्क्रब का, उस दिन मैंने कहा ना लेके आओ, तो बाद में मैं भूल गई, मैं चली गई, मुझे याद ही नहीं, मेरी याददाश्त कुछ ऐसी है। तो अभी फिर मैं जाने वाली हूँ, अभी शावर लिया है, चेंज किया है, अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं। आपने भी जाना है किधर? ना ना ना, सोचो भी ना कि मैं थानू लेके जावा, इन्ना तंग कर देने बाहर जाके, छड्ड ही गल देवो, मैं गड्डी चलावा या इन्हां नू संभालना है, इसलिए इनको संभालने के लिए या तो साथ में कोई होना चाहिए, अगर मैं अकेली हूँ तो ये तो मेरी नाक में दम करके रख देते हैं। ऐसे ही करते हो ना? ना छोरी ना छोरी, छोरी मैंने नहीं मानी, जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, मिंटल का नहा ली है, कपड़े पहने हैं, इधर ही रुक, आपको कपड़े इधर ही पहनाते हैं, अभी बाहर उधर हमारे घर में ट्यूबवेल चलता है ना, ये वहां पे नहा के आ रहा है, और अभी इसने पहने कपड़े, मुझे कह रहा बंद कर बंद कर, सीम क्यों सीम शारे कर रहा, सीम समझदार होता जा रहा है, तो सीम हो रहा रेडी, सीम में जाना मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरे पैरों को ना बड़ी स्वेलिंग थी, मैंने सोचा थोड़ा सा इनको जरा वो हीट दे के वाश करवाती हूँ, तो अभी वो सीन चल रहा है, तो इसके बाद हम फाइनली निकलते हैं, तो आ जाओ तुम भी साढ़े नाल नाल। ये देखो जी आपने पैर रखे थे, ये वाला वाश हो चुका है, और स्वेलिंग देखो कितनी ज्यादा हुई थोड़ी, बहुत तो बहुत तो बहुत। यहाँ पर जी मैंने पतीला भर के फालसे के जूस का बना दिया है फाइनली, गर्मियों में हमारे घर में फालसा फालसे का जूस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए, मैदे में ठंडक पहुँचाने के लिए आप सब इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा होता है, अपने बच्चों को पिलाएं, दिन में दो दो तीन तीन बार ऐसे पतीला भरें, ये आप किलो आधा किलो आधा किलो डालें ना, तो बस उसको उसमें पानी डालें, चीनी डालें, नमक डालें, बना के फ्रिज में रख दें, ठंडा करें और सारा दिन पिए इसको। तो हम रहे जी निकल, असद ने हमें गाड़ी ला दी, असद साहब
हेलो व्यूअर्स, आजकल ते पंजे की होचने आज मैं साहब कहता तुहाडी वजह नो साहब ही हूं साहब अपने घर का साहब ही हूं साहब असल जो है ना मैं आपको दिखाती हूं पहले से पानी शनी मंगवा के ना मैं आप लोगों को साहब दिखाती हूं ये रहा साहब सलाम करो इधर नहीं जी अभी नहीं ओके बाय चलो जी एसी ऑन कर लिया अभी जो है नजीम और मैं जा रहे हैं मौज मस्ती करने तो आओ तुसी भी साढ़े नाल बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है जी आज ना धूप निकली हुई है फुल कड़ाकेदार अजीम मेरी जान इधर देखो शहजादे अस्सलाम वालेकुम करो हाँ जी उस टाइम सलाम क्यों नहीं किया था सर छेड़ता है आपको असद इसको चढ़ाना शुरू कर देता है इसलिए अजीम ने उस टाइम सलाम नहीं किया इधर देखो कैसे लग रही हो आज दिखाओ व्यूअर्स को दिखाओ वाइट ड्रेस अजीम ने पहना हुआ है माशाल्लाह अजीम बड़ा प्यारा लग रहा है अभी किधर जा रहे हो आप घूमने सैर करने जा रहे हो अजीम जा रहा है जी सैर करने आज ठीक है अजीम की बारी है मेरे साथ जाने की तो फिर अजीम और मैं रास्ते में है जी ठीक है थोड़ी देर में हमारे साथ गेस्ट और भी आ जाएंगे बाजी शमीर उनको हम साथ ले लेंगे और उसके बाद फिर हम कहाँ जाने वाले हैं ये तो फिर आप लोगों को साथ साथ पता चलता रहेगा अभी जो है जाके उनको पिक करते हैं बस गर्मी बहुत ज्यादा है हमारी जो गाड़ी है ना एसी के साथ पेट्रोल की लंप उतार देती है हमने एसी बंद करके शीशे खोल लिए मैंने और जीप में मतलब गाड़ी में तो अच्छी खासी हवा आ रही है गर्मी वैसे अगर आप शीशा नहीं खोलें वैसे पानी देखेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी है तो इससे बचो फालसे का जूस अब भी पी के आए आप लोग भी पियो और गर्मी से जान छूट जाएगी तो चले ये क्या कर रहे हो ये इसको अंदर ही रख दो उसी में रख दो इसको अभी जो है हम जा रहे हैं बाकी लोगों को पिक करते हैं फिर मिलते हैं इंशाल्लाह डांस करो तो आप डांस करो ये क्या कर रहे हो अभी हम आ गए जी इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पे ये हाईवे जाता है सीधा श्रीनगर तो कभी हम भी जाएंगे श्रीनगर मुझे बहुत पसंद है वो जगह तो खैर अभी थोड़ी देर में हम बाजी के घर पहुंचने वाले हैं उनको पिक करने वाले हैं पिक करके फिर आगे निकलने वाले हैं और आप लोगों ने मेरे जीम का डांस देखा अंदर आ जाओ कैसा था डांस आपका ओ वाओ आपने भी व्लॉग बनाना सीख लिया है कैसे कल बना रहे थे क्या कह रहे थे ये नहीं मेरे क्या रहा क्या 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 ये नहीं मेरे पापा अच्छा बाल और ये रहा अजीम ये रही गाड़ी सारा कुछ बताओ भी उसको जल्दी जल्दी मुझे अभी इतना ही आता है बात अभी बाकी सारा बात बताऊंगा अभी इतना ही आता है बाकी बात में बताओगे ये रहे प्यारे प्यारे से ट्री ये रहे प्यारे प्यारे से ब्रिज ऐसे बोलो ना ये फूल ये दरख्त ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये खूबसूरत लग रहे हैं पर इनके ऊपर कुछ खाने वाली चीज नहीं है जीन कह रहे यानी आपको वो वाले पसंद है मैंगो वाले खरमानी वाले आड़ू वाले हैं अच्छा जी खाली खाली ट्री नहीं जीन को पसंद और बच्चों को तो ऐसा ही होता है कि भाई कोई ऐसे ट्री हो जिनके ऊपर कुछ लगा हो ताकि बच्चे तोड़ तोड़ के खाए हैं कोई बात नहीं कुछ दिनों बाद हम जाने वाले हैं वहाँ पे ऐसे ट्री होंगे जिनके ऊपर बहुत सारे फ्रूट होंगे फिर हम तोड़ेंगे बागों में जाके फिर खाएंगे ओके ऐसा पेड़ जो बिल्डिंग से भी बड़ा हो हाँ। उसके ऊपर चले जाओगे हाँ। पक्का कैसे जाओगे वाह जी वाह ऐसे चला जाएगा कांटून जैसे जाते
सुनी फिर आप लोगों ने उनकी बातें, ये रही मेरी पुप्पो, ये रहा मेरा अजीम, क्या कर रहे हो जीम, पूरी गाड़ी के आज प्रेशर कर रहा है क्योंकि आज जीम केला बैठा है, इसको सारा कुछ खोलने का आज मौका मिला हुआ है। तो बाजी की तरफ हम लोग पहुंच गए जी, और पहुंच के आके जो ना अभी हम खाने लगे हैं, खाना यहाँ पर चावल पुलाव बना हुआ है, पुलाव खाते हैं। अजीम वो लेके चला गया अपना पुलाव, तो बाजी साहब पर्दा खोलने चले गए कि रोशनी आवे। रोशनी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवत? ठीक है, बैठो। हम लोग भी ठीक है, इसको परसों का छोड़ा हुआ है और आज ये मैं छोड़ के गई है तो आज आई है। मैंने कहा चलाओ नाश्ता थोड़ा सा कर लो, ऐसे बैठे हम खाना बनाया वो खाने लगे, फिर देखते हैं आगे शाम को क्या बनाते हैं। चलो तो भी हम इकट्ठे ही रहेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि आप किधर किधर चले, सोचते हो क्यों होंगे कि परसों के वो गए भी हो गए इधर एक दूसरे के साथ थकावट थकुमट हो गई थी वो खत्म कर रहे थे। हाँ जी, अभी जो है बस मिल गए फिर से, तभी खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने बना लिया सेवियाँ, अभी बाजी की तरफ दूध वाली, तो अभी खाएंगे सेवियाँ, मेरे लिए डब्बे में डाल दिए। अभी जी हम लोग निकल रहे हैं, अभी काफी जो ना सेकंड टाइम हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया। ये रहा भी, ये रही मैं, ये रहे बाजी की ट्री, ये पता नहीं कौन सा दरख्त है मुझे तो पता नहीं इसका, अब पता चले मैंने कभी पेड़ उगाए हो तो मुझे पता होना। पीछे हटो, मैं खोलू, हटो ऐसे खोलना भी ना इसको, इसको पीछे करने के बाद। तो बाहर वाला गार्डन देखें आप बाजी का, जैसे जी आप अभी पीछे बैठो, किधर है नारियल? मैंने खा लिया। आपने खा लिया नारियल? खा लिया जी, बड़ा तेज तेज बच्चा हो गया अब ना। चल तो मैंने अजे तक ये नहीं पता चलिया कि लाच केड़े तो खुलना है तो केड़े तो लगना है। चल चल बैठ जा पीछे जी, शाब कर लो बताएं। हेलो जी, ऊपर निकला हुआ सालू से, तो बाजी अभी चली गई जी, तो उन्होंने घर का रेंट लेना था, रेंट लेने, तो मैं और जीम गाड़ी में बैठे, मैंने कहा हम गाड़ी में बैठते हैं। ये क्या कर रही, ये क्या है, खिलौना? तो अभी जो बाजी रेंट लेने गई वो लेके आती है, तो फिर आगे निकलते हैं, गर्मी भी लग रही है, तो उसके बाद हमने जाना है शॉपिंग करने। तो आप लोगों को बता देते हैं आज के व्लॉग में आप शॉपिंग होने वाली है, जिस चीज को शॉपिंग देखनी है वो इस व्लॉग को एंड तक पहुंच कर। ये दो ऊपर दो ही नजर आ रहे थे चलाकू, तो शॉपिंग देखने के लिए इस व्लॉग को एंड तक वॉच करें, कौन क्या शॉपिंग करते हैं। अभी हम डलवा रहे हैं जी गाड़ी के अंदर फ्यूल, तो फ्यूल डलवाने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं। बाजी जा रही है जी अभी यहाँ पर वार्सल फार्मेसी पे, यहाँ से लेनी है कुछ मेडिसिन। हम लोग आ गए हैं मरकज में जी, लेवर मरकज, यहाँ से लेनी थी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो जीम साहब और पेपो जी यहाँ बैठे हैं, ये जीम साहब है और ये कौन है? पेपो साहब। कौन? पेपो साहब। वो कहाँ अटक गया, कौन है? पेपो साहब। पेपो साहब, पेपो साहब, पेपो साहब। ये है जीम साहब। मुझे जूस चाहिए। जूस चाहिए, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, वो पीछे जूस वाले ऐसे ही हमने जाना है, वहाँ से मैं अपने बेटे को दे देती हूँ। कहाँ से? वो लगा। चलो आंटी को आने दो ना, फिर आगे जाते हैं, ठीक है? ओके। जीम बहुत अच्छा बच्चा, जीम अंदर कभी बाहर जाता है। बाजी जी आ रहे हैं, पता नहीं मेडिसिन मिली है कि नहीं, मिल गई सारी, क्यों बाजी? जरा कैप्सूल मैं दसा से मिले 200 मिलीग्राम। बाजी ने शॉपिंग करनी थी और जो रेंट लेना था घर का वो लेके शॉपिंग करने जाना था, उन लोगों ने आज का बोला था, जब हम लोग वहां गए तो उन लोगों ने कहा कि आज नहीं हम कल देंगे। फिर हम लोग मुंह लटका के
मैं बाजी सिंह वापस आ गए घर, और घर आके अभी बना है खाना, वो है हमने खाना, उसके बाद मैं और जीम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे वापस घर। लेकिन इस्लामाबाद का प्लान बन रहा है हमारा, जनास ऊपर जाने का, तो देखते हैं वहाँ जाते हैं कि नहीं। लेकिन खाने के बाद बहुत भूख लगी हुई है, बाहर से तंदूर से मंगवाई है रोटियाँ, तो जैसे ही रोटियाँ आएंगी खाना खाएंगे। और खाने में क्या है, लाइट मारती तुम्हारे यहाँ पे लाइट बहुत कम है, तो हमने जो ना अपने मोबाइल की रोशनी में, वो उधर वाली जलेंगी शायद तेज हो जाए, जाओ जला के देखो जरा, इधर से इधर से वो वाली, ये वाली सामने वाली जला के देखो जरा, जलाओ जलाओ जलाओ, दूसरी दूसरी इसको बंद करो, किधर है वो वाली, जलाओ दूसरा बटन दबाओ, दूसरा बटन दबाओ, जी हमने बंद ही कर दी, दूसरा बटन दबाओ, दूसरे वाला, दूसरे, हाँ दबाओ दबाओ दबाओ, ऐसे अभी रोशनी तेज होगी, एक और दबाओ, एक और दबाओ, ये वाली भी जल जाएगी, जलाओ दूसरे वाला भी दबाओ, तुजीम को भी बंद करता कभी, चलो ठीक है आ जाओ चलने दो। तुजीम ने जी रोशनी काट दी है तेज, तो अभी खाना बस खाते हैं और आपको बताते हैं खाने में क्या है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम घर जाते हैं या फिर इस्लामाबाद जाते हैं, तो फिर देखते हैं। ना 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 बताना नहीं, बाद में बताएंगे। यहाँ पर जी हमारा आ चुका है खाना, चिकन और करेले, तो यहाँ पर हमने मंगवाई है रोटियाँ, अभी जल्दी जल्दी हमने खानी है। तो जीम साहब को देखो वाकर में बैठ के इन्होंने आज खाना खाना है, ये छोटा बेबी बना हुआ है, घर पहुंचते ही जी बनाया फालसे का जूस और अभी नहीं पी, गरम करेले और फिर साथ में फालसे का जूस पियो, क्या ही बात है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ, सबसे पहले मैं लूंगी दवाई, उसके बाद बच्चों का नाश्ता, उसके बाद जो है आज फिर बाजी ने बुलाया है कि आज आ जाओ, आज फाइनली शॉपिंग करनी। रात को क्या हुआ था, बाजी ने घर का रेंट लेना था, वो रेंट लेने के बाद जो है उन्होंने बाजार जाना था, तो रेंट वालों ने अभी देते अभी देते अभी देते करते करते शाम कर दी, बल्कि रात को तकरीबन उन्होंने 9-10 बजे के दरमियान जो है ना मेरे अकाउंट में पैसे सेंड किए थे। खैर फिर मैंने निकलवाए, फिर मैंने बाजी को दे दिया, मैंने कहा चलो सुबह जो भी प्लान होगा फिर कर लेना, तो बाजी ने कहा ठीक है। बाजी कह रही थी कि शॉपिंग वो यहाँ से करेगी ना, और मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलूँगी, मैं भी देखूँगी कुछ अगर लिया तो कुछ पसंद आ गया कुमरासम तो ठीक है, नहीं तो फिर बाजी शॉपिंग करेगी। अब जो है आज का प्लान है हमारा, खैर अभी मैं उठ गई हूँ, अभी फ्रेश फ्रूश होते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और उसके बाद फिर बाजी से पूछती हूँ वो क्या कहती हैं। मैंने अभी कार मिलाई थी, मेरा ना बैलेंस है ना पैकेज है, व्हाट्सएप पे किया तो बाजी का नेट ऑफ जा रहा है। पप्पू किधर चला गया, पप्पू, ओ पप्पू, पप्पू ए, पप्पू नहीं जल्दी उठता, वो बेड पे सो रहा है। पप्पू, पप्पू ओए ओए उठ, इधर आ जा, बैलेंस डलवा के आ जरा, एक दो काले करनी, मैंने बैलेंस लिए, बैलेंस डलवाते हैं, कॉल करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो भी वो प्लान बनाती है उसके मुताबिक निकलते हैं, उससे पहले जरा नाश्ते नुश्ते कर लिए। फिर ये है जी हमारा आज का नाश्ता, कोफ्ता चने, साथ में दही, साथ में लस्सी, साथ में पप्पू, ये रहे पप्पू के पास नान, पप्पू भी दही और चने खा रहे हैं, और अभी जो है ना मैं भी नान लेती हूँ और खाती हूँ ये चने। दिखा बाल कौन से, उनको छतरी का लार ला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अभी नहा के निकला हूँ जरा, अभी तो कमी भी नहीं की, कुंडलों वाले बाल, इसके कुंडलों वाले मेरे, कुंडलों मेरे फुल, ये देखो फुल कुंडलों वाले बाल, कैमरा क्यों भिंगा आ रहा है भाई, कैमरा सीधा ही है, कैमरा नहीं सीधा, आपको टेढ़ा लग रहा है, अभी सीधा, अभी भी टेढ़ा है, ये देखो इतने अजीब बाल, इधर सही है, अच्छा स्ट्रेट ही कर दो, इधर नहीं आए इधर सही है, इधर दो कम से कम इधर वो बन जाएंगे ना पटे, इतने ही सही है, मैं तो कर दो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रहने दो, अभी नहीं करने। तो व्यूअर्स अभी लास्ट में ये भी मेरे व्लॉग में आ गया ठीक है, और इसके बाद मैंने जाना बाजी की तरफ,
तो फिर वो व्लॉग जो है दोबारा स्टार्ट करेंगे। उस व्लॉग में हमने करनी है शॉपिंग, तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे। हमारे लिए कोई शॉपिंग नहीं हम बेटा इस बार कोई भी शॉपिंग नहीं करा, ना मैंने की हम कुर्बानी ना करेंगे। किसी की भी नहीं करनी, कुर्बानी का भी अभी हमारा कन्फर्म नहीं है। अल्लाह ने अगर मंजूर हुआ तो हो जाएगी, यार चीज हम अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। तो जो भी नसीब में होगा वही होगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, अभी इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से शॉपिंग वाले व्लॉग। बेशक असी नहीं करनी, बाजी ने करनी है शॉपिंग, तो होगी कुछ ना कुछ हम दिखा देंगे अच्छा सा, ठीक है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो जो मैंने असद को सरप्राइज देना था ना, वो अभी पेंडिंग रह गया क्योंकि मैं बाजार ही नहीं जा सकी, इसलिए अब नेक्स्ट किसी भी ब्लॉग में जाऊंगी। फिर अभी वो उठ गया यहाँ से, मैंने कहा चलो व्यूवर्स को बता दूं, व्यूवर्स ये ना कहें थोड़ा झूठ मारा सी। अब वो सरप्राइज अगर मैं दूंगी तो इंशाल्लाह लाजमी मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। बाय बाय।